आज की कहानी है प्रसव पीड़ा, हर नारी की कहानी। स्नेहा प्रसव पीड़ा से कराह रही थी और नर्स उसे बार बार सांत्वना दे रही थी कि बस कुछ देर और सब ठीक हो जाएगा। स्नेहा को दर्द से छटपटाते देख मुकेश, स्नेहा का पति, नर्स से पूछता है ये सब कब तक और कितना टाइम। नर्स कहती है हैव ए पेशेंस, फर्स्ट बेबी है इसलिए थोड़ा टाइम तो लगेगा ही। करीब एक घंटे तक पत्नी को कराहते देख और नर्स के हैव ए पेशेंस सुनते सुनते उससे नहीं रहा गया तो चिल्लाते हुए नर्स से बोला, कितनी देर से आप मुझे हैव ए पेशेंस बोल रही हैं, दिखाई नहीं दे रहा है। मेरी वाइफ कब से दर्द से तड़प रही है और आप हैं कि। शोर सुनकर डॉक्टर शीला अपने केबिन से बाहर आई और मुकेश से पूछने लगी, क्या बात है, आप इतने हाइपर क्यों हो रहे हैं। मुकेश बेड पर लेटी स्नेहा को इशारा करते हुए कहा, सब्र रखो कुछ देर और मुकेश को स्नेहा की बहुत फिक्र हो रही थी। डॉक्टर शीला ने कहा, मिस्टर मुकेश, प्रसव पीड़ा तो हर नारी को सहना पड़ता है, कभी बच्चे का सही मूवमेंट नहीं होता तो कभी माँ के शरीर में पानी की कमी हो जाती है। शहरी महिलाओं को चिकित्सीय सुविधा मिलने के कारण काफ़ी राहत है, लेकिन वहीं गाँव में तो महिलाओं को ज़्यादा तकलीफ झेलनी पड़ती है। आपकी पत्नी का पहला बच्चा है तो तकलीफ थोड़ा ज़्यादा होना स्वाभाविक है। आपकी माँ ने भी तो आपको बताया ही होगा कि आपके जन्म के वक्त कितनी पीड़ा सहनी पड़ी होगी, क्यों नहीं बताया। डॉक्टर शीला ने उसकी तरफ देखा, वह शक पका गया, कैसे कहता, जब से स्नेहा माँ बनी थी तब से यही कहता, स्नेहा ये मत करो वो मत करो, ऐसे बैठो, हर तरह से उस पर नज़र रखता। कई बार तो ऑफिस से फ़ोन करके पूछता, सब ठीक है, क्या खाई, क्या कर रही हो, और ऑफिस से आने के बाद उसे बैठा देता, कोई काम नहीं करने देता। उसकी वाइफ को अच्छा नहीं लगता ये सब। मुकेश कहता कि अरे तुम समझती क्यों नहीं हो, तुम माँ बनने वाली हो, ख्याल रखो। बेटे का ऐसा व्यवहार देखकर माँ को हंसी भी आती और चिंता भी। छठे महीने के बाद तो स्नेहा को बीमार सा बना दिया, उसे बिस्तर से हिलने नहीं देता था। तब मुकेश की माँ ने समझाया कि बेटा, स्नेहा जितना चलेगी फिरेगी उसकी डिलीवरी में उतनी ही आसानी होगी। और तब वह अपनी माँ पर चिल्लाया था, आपको क्या पता कि बच्चे के जन्म में कितना दुख सहना पड़ता होगा, आप देख नहीं रही ये कितना धीरे धीरे चल रही है, एक बच्चे को अपने अंदर लेकर चलना फिरना कितना दुख सहना पड़ता होगा। वह बोलता जा रहा था और उसकी माँ चुप सी हो गई थी, नहीं कह पाई, हाँ मैं कैसे जान पाती, तेरे पिता ने मुझे कभी इंसान समझा ही नहीं था। जब तू मेरी कोख में 3 महीने का था तब अकेले 10 आदमियों का रोटी बनाती थी, और जब तू 7 महीने का था तो मुझसे ज़्यादा देर तक चला भी नहीं जाता था, पर तेरी दादी मुझसे चक्की चलवाती थी। डिलीवरी के वक्त गांव की दाई से काम चला लिया था और तेरे पैदा होने के 4 दिन बाद ही मैं फिर से काम में जुट गई थी। तुमने सही कहा बेटा, मैं कैसे समझूंगी। डॉक्टर शीला ने जब मुकेश से कहा कि तुम्हारी माँ ने भी, तब उन्हें अपनी माँ का और उनका दर्द समझ आया। तभी डॉक्टर ने आकर कहा कि बधाई हो, आपके घर बेटी आई है, खुश है ना। जी बहुत खुश। मुकेश ने अपनी माँ को फ़ोन लगाया और माँ से कहा, माँ लक्ष्मी आई है, आप इसका लालन पालन वैसे ही करना जैसे आपने मेरा किया था, क्योंकि आपसे अच्छी माँ तो कोई और हो ही नहीं सकती। यह सब कहते हुए उसका गला भर गया और यह सब सुनकर उसकी माँ की सारी पीड़ा ही जैसे ख़त्म हो गई। दोस्तों आज की कहानी आप लोग को कैसी लगी, अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।